ये जो ट्रेन देख रहा है ये आपका LHB ट्रेन और इसमें देख रहा है कि WAP-7 लोकोमोटिव हाउलिंग हो रहा है और जिस लोकोमोटिव में आपका देख सकते हैं कि पेंटोग्राफ है दो लेकिन एक काम कर। सामने जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये EMU का है, मेमू है, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और EMU बेस में। इसके सामने में देखिए एक पेंटोग्राफ है और इस पेंटो ये सेल्फ प्रोपेल्ड आपका ट्रेन है, लेकिन ये जो ट्रेन देख रहा है ये सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, लोकोमोटिव हाउलिंग ट्रेन। ये EMU आपका इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड आपका है, इसमें पेंटोग्राफ लेते हैं लेकिन यूनिट में एक, अगर 12 होगा तो आपका 4 आपका पेंटोग्राफ रहेंगे लेकिन दो चारों पेंटोग्राफ काम करता है। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड आपका 105 KMPH में चलने वाला लोकल ट्रेन बोला जाता है। अभी तक आप लोगों को जो ट्रेन दिखाया है लोकोमोटिव हाउलिंग ट्रेन और EMU दिखाया है, लेकिन अभी जो ट्रेन दिखाएंगे वो वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन सेट 18 जो आपका ICF ने बनाया है। ये इंजन लेस ट्रेन है और इंजन लेस ट्रेन किस तरीके से चलते हैं इसी को मेरा वीडियो बन रहा है। तो इंजन लेस ये वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 सेट पेंटो से किस तरीके से आपका पावर लेते हैं, ट्रैक्शन मोटर को देते हैं और इसमें से गाड़ी किस तरीके से एक्सीलेशन होते हैं और डी एक्सीलेशन होते हैं और इनके इंटीरियर में क्या क्या है और आपका अंडर गियर में बोगी असेंबली क्या है दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, चैनल पर नया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। मैं खड़गपुर से BK दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत। ट्रेन 18 सेट के रेक इन्फॉर्मेशन में आपका 4 कोच में एक यूनिट बनता है, 16 कोच में एक रेक बनता है और 4 कोच में आपका पहला DTC उसके बाद में MC उसके बाद में TC मतलब ट्रेलिंग कोच उसके बाद में फिर से MC उसके बाद में फिर से आपका MC आपका TC MC NDTC फिर से NDTC TC तो मतलब 2 यूनिट आपका एक साथ में लिंक अप रहता है और उनका जो पेंटोग्राफ रहते हैं 1 और 2 का आपका साथ में टाई अप रहते हैं और 3-4 इसमें अभी आए नहीं है, 5 और 6 जो यूनिट है उसका आपका 2 पेंटोग्राफ एक का साथ में एक लिंक अप रहते हैं। रेक फॉर्मेशन में आपको जो पहला 4 यूनिट उसके बाद में जो मिडिल में 2 यूनिट रहता है, बीच में 8 नंबर और 9 नंबर जो कोच होता है वो NDTC होता है और वही आपका एग्जीक्यूटिव कार होता है, चेयर कार और बाकी जितना भी होता है सभी आपका सैलून कार बोला जाते हैं मतलब नॉर्मल। चलिए अभी इंटीरियर में देख लेते हैं क्या है। इंटीरियर में आपका ये नॉर्मल चेयर कार है, चेयर कार आपका 3 और 2 के डिवाइड में होते हैं और 78 आपका सीट कैपेसिटी होते हैं। इंटरफिकेस जो डोर होता है सब आपका सेंसर सिस्टम है, आपका जो डोर है ऑटोमेटिक क्लप आपका ऑटोमेटिक लग सिस्टम के डोर है, स्लाइडिंग डोर है, स्क्रीन टच आपका लाइट होते हैं और बैठने से सीट का बगल में आपका मोबाइल चार्जर होता है। इसमें पायलट से बात करने के लिए आपका वॉकी टॉकी एक सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर का सिस्टम से फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। टोटल रेक आपका AC होते हैं और इसमें आपका इथरनेट आपका वाईफाई इसके अंदर में है। इनके जो विंडो ग्लास है कंटिन्यू विंडो ग्लास मिलेंगे आप लोगों को और धूप का जो तेज है उनको ये करने के लिए विंडो में आपका पर्दा रहता है। लगेज सिस्टम बहुत सुंदर से रहता है, इमरजेंसी विंडो भी रहता है। चेन पुल का पोर्ट से अगर आप चेन खींचेंगे तो गाड़ी खड़ा नहीं होंगे, लेकिन ड्राइवर अगर चाहे तो गाड़ी खड़ा कर सकता है नहीं तो गाड़ी। तो आप लोगों को इंटीरियर आप लोग देख लिया है, अभी अंडर गियर चल के देखेंगे बोगी असेंबली क्या चीज़ है। बोगी असेंबली जो है फीएड बोगी का आपको मॉडिफाई किया हुआ है और आपका जो LHB में जो फीएड बोगी है उसी का तरीका के सभी कुछ लगा हुआ है।
डीटीसी का मैंने वीडियो आप लोगों को दे चुका है और एमसी कोच का भी वीडियो मैंने दे चुका है, लेकिन आपका पेंटोग्राफ कहाँ लगा रहता है और ये सेल्फ प्रोफाइल किस तरीके से होता है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ट्रेलिंग कोच। अब ट्रेलिंग कोच में जब पेंटोग्राफ ऊपर लगते हैं तो नीचे ट्रक्सन ट्रांसफार्मर रहेंगे, मेन पार्ट जो है इसमें ट्रक्सन ट्रांसफार्मर और ये आपका ऑक्जुलरी ट्रांसफार्मर कन्वर्टर लगा रहता है। तो चल के देख लीजिए, मैं दिखा रहे तो चलिए मैं रेक फॉर्मेशन में आपका डीटीसी एमसी और उसके बाद में ट्रेलिंग कोच यानी टीसी में पहुंचा हूँ। बोगी असेंबली पार्ट सब में जो रहता है इसमें भी वही रहेंगे, कुछ स्पेशल पार्ट्स रहता है जैसे कि देख सकते हैं ये बेबी कंप्रेसर है, ये आपका पेंटोग्राफ के लिए एक 20 लीटर का ऑक्जुलरी रिजर्वर दिख रहा है। ये बेबी कंप्रेसर का प्रेशर आपको पेंटोग्राफ को स्टेबल करने के लिए रखते हैं। तो बोगी असेंबली में 1-3 पार्किंग ब्रेक और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक लगा हुआ है और आगे का जो कोच में जिस तरीके का था सेम टू सेम वही है। और इसमें कुछ स्पेशल पार्ट्स आपको इस बोगी में बैठा हुआ है उनको मैं दिखाएंगे। हर यूनिट में हर ट्रेलिंग कोच में आपको पेंटोग्राफ रूप माउंटिंग में मिलेंगे। रेक में 4 आपका पेंटोग्राफ में 2 पेंटोग्राफ काम करते हैं, मतलब 1 यूनिट और 2 यूनिट में इंटरनल पेंटोग्राफ का कनेक्शन रहता है। 3-4 इधर है नहीं, 5 और 6 आपका यूनिट में एक इंटरनल कनेक्शन रहता है, मतलब 2 यूनिट काम करता है। तो चलिए इस रेक में करंट किस तरीके से दिए जाते हैं और गाड़ी कैसी एक्सीलरेशन होते हैं समझेंगे। पेंटोग्राफ से 25,000 वोल्ट आपका आते हैं एक ट्रांसन ट्रांसफार्मर में और उधर 2 सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, एक लूप सर्किट ब्रेकर आपका दूसरा यूनिट का कनेक्शन करने के लिए और एक मेन सर्किट ब्रेकर आपका सेल्फ पेंटोग्राफ को कनेक्शन करने के लिए। और ट्रैक्शन से आपको अर्थिंग मिला, करंट आपका ट्रांसफार्मर में तैयार होना शुरू हो गया और ये पेंटोग्राफ को ऑपरेट करते हैं डाइविंग कैप में लगे हुए पॉइंट पर। इस नॉब से पेंटो अप एंड डाउन होते हैं और इस नॉब से पेंटो अप और डाउन करने के बाद में सर्किट ब्रेकर से कनेक्शन दिया जाते हैं और इस नॉब से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा सेट में पेंटो अप चलाएंगे। सेटिंग्स 1, 2 और 3 इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। पेंटोग्राफ से 25,000 वोल्ट आपका ट्रेलिंग कोच के ट्रक्शन ट्रांसफार्मर में आएंगे और उधर से एक ऑक्जुलरी कन्वर्टर और 2 आपका मोटर कोच MC12 में आपका मोटर गियर में सप्लाई देने के लिए जाएंगे। PC मेन ट्रांसफार्मर आपका केबल दिख रहा है, एक आपका बोगी बॉडी अर्थिंग के लिए और एक पेंटोग्राफ के लिए। पेंटोग्राफ इस मेन ट्रांसफार्मर में आपका वायल कूल पंपिंग सिस्टम से आपका ट्रांसफार्मर कूलिंग करने का सिस्टम है, ब्लोअर लगा हुआ है और इस वायल पंप आपका रेडिएटर का माध्यम से आपका ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं। ये हो गया सिंगल फेस ऑक्सिलरी ट्रक्शन कन्वर्टर। इधर से आपको 2 करंट सप्लाई होंगे, एक 3 फेज 415 वोल्ट के और बैटरी चार्जर के लिए 110 वोल्ट DC सप्लाई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि एक ट्रेलिंग कोच में आपका किस तरीके से क्या क्या वाइटल पार्ट्स लगे रहते हैं और ये पेंटोग्राफ किस तरीके से काम करते हैं, ट्रक्शन ट्रांसफार्मर किस तरीके से आपको मोटर गियर को आपको करंट भेजते हैं और मोटर गियर चैप्टर में आपका जो सिस्टम से जो सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम से जो ट्रेन आपका एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन होते हैं वो सिस्टम आप लोग आगे एक वीडियो में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से इधर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर कुछ जानकारी रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।